लोकसभा चुनावों के दौरान बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बीजेपी पर आरा मशीनों को बंद करवाने वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार किया है। हमीरपुर में चुनावी प्रचार के दौरान धूमल ने कहा कि आरटीआई से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए कि आरा मशीनें किसने बंद करवाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर आरा मशीनें खुलवाई थी, लेकिन कांग्रेसी नेता फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं की रेल लाइन को लेकर की जा रही बयानबाजी पर धूमल ने कहा कि कांग्रेस को याद दिलाना चाहते हैं कि जनवरी 1973 में अंब में नंगल तलवाड़ा रेल लाइन का शिलान्यास हुआ था और उसके बाद बीजेपी सरकार के समय में ही रेल लाइन का विस्तार हुआ है और अब सांसद राव ठाकुर के प्रयासों से हमीरपुर तक रेल को पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। धूमल ने कहा कि जब रेल हमीरपुर आएगी तो कांग्रेसी सीटियां सुनते रहेंगे और हम बैठकर चले जाएंगे। बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के बयानों पर हंसकर जवाब दिया है। प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने रेल लाइन हमीरपुर तक ना पहुंचने के सवाल पर हंसते हुए कहा कि कांग्रेस के बयानों पर हंसी आती है, क्योंकि कांग्रेस के समय में तो वीरभद्र स्वयं कहते थे कि सड़कों की हालत खस्ता रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी रेल लाइन का सर्वे तक नहीं करवाया और आज सर्वे पूरा होते देखकर जलन से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब लोकसभा का तीसरा चुनाव लड़ा था तब प्रेम कुमार धूमल सीएम नहीं थे, लेकिन तब भी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था। उन्होंने कहा कि धूमल ने प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं और इसका लाभ मुझे मिला है और इन चुनावों में भी मैं जीत हासिल करूंगा। हिमाचल के सेब बहुल तीन जिलों में शिमला कुल्लू मंडी में गत दिवस दोपहर बाद भारी ओलावृष्टि हुई है। अपर शिमला कुल्लू के आनी और मंडी में फ्लावरिंग के बीच 5 से 25 मिनट तक ओले गिरने से करोड़ों की सेब फसल तबाह हो गई है। कई जगह सेब के फूल भी नहीं बल्कि पत्ते भी झड़ गए हैं। गौरतलब है कि हिमाचल में सालाना 4000 करोड़ का सेब का कारोबार होता है, जबकि सेब की लगभग 70% फसल अपर शिमला में होती है। शिमला के ठियोग, नारकंडा, कोटखाई, जुब्बल, चौपाल, रोहडू, रामपुर और कुल्लू के अन्नी में फ्लावरिंग के बीच ओलावृष्टि से सेब पौधों से फूल झड़ गए हैं। मंडी शहर के अतिरिक्त जिले के अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि जबकि निचले क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है। बागवानी विभाग शिमला के उपनिदेशक सुभाष चंद का कहना है कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में ओलावृष्टि को लेकर सोमवार को फील्ड स्टाफ से रिपोर्ट तलब की जाएगी, बागवानों को नियमानुसार राहत दी जाएगी। वहीं बता दें कि हिमाचल के मैदानी इलाकों में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा, हालांकि शिमला समेत मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में 24 और 25 अप्रैल को एक दो स्थानों में बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी और पारे में उछाल आएगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर जिला के कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं कर जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, पूर्व विधायक तिलकराज शर्मा, डॉक्टर बाबूराम गौतम, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदि मौजूद रहे। रामलाल ठाकुर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब से वे राजनीति में आए हैं उन्होंने लगन व परिश्रम के साथ जनता की सेवा की है। उन्होंने कभी
थाईलैंड, सिंगापुर आदि देशों का यात्रा करने की अपेक्षा जनसेवा को ही उचित समझा है और दिखावे के लिए कभी क्रिकेट नहीं खेला। अगर जनता ने उन्हें सांसद बनने का अवसर प्रदान किया तो हमीरपुर संसदीय चुनाव क्षेत्र को वे अपना घर मानकर जनसेवा करेंगे।